सास बहू का ढाबा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेडिटेरेनियन रेसिपी। आज हम बनाएंगे मेडिटेरेनियन किनोआ सैलड। जी हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है। तो चलिए चलते हैं रसोई में और देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। मैंने लिया है एक प्याज, आधा कप पत्ता गोभी, एक टमाटर जिसे मैंने काटा है, एक ककड़ी ली है, एक गाजर ली है, आधा कप मैंने लिया है स्वीट कॉर्न। हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून विनेगर, ये 2/3 कप उबले हुए किनोआ है, और हमने लिया है 1 टेबल स्पून नींबू। उसके अलावा लिया है धनिया, हरा धनिया जिसे मैंने काट लिया है। 1/3 कप मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वाद अनुसार नमक। 1 टीस्पून मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा ये 5 लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें सारा उबला हुआ किनोवा डाल देंगे। 2/3 कप किनोवा जो था वो बिना उबले हुए था, और फिर मैंने उसे कुकर में 2 सीटी लगाकर उबाल लिया है। अब हम इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल लेंगे जो हमने स्लाइस करके और बारीक काट के रखे हुए हैं। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए प्याज, इसे मैंने अच्छे से बारीक स्लाइस किया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर जिसे मैंने छोटा छोटा कट किया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ककड़ी। ककड़ी का मैंने जो छिलका है उसे छीला नहीं है, ककड़ी को हम छिलके के साथ ही कट करेंगे। और ये गाजर इसमें डाल रही हूँ मैं, गाजर को हमने छीलकर स्लाइस किया है। और आधा कप इसमें कॉर्न डाला है, कॉर्न आप उबाल कर भी डाल सकते हैं या कच्चे भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें कच्चे कॉर्न डाले हैं। और पत्ता गोभी को भी मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है, लंबा लंबा उसे काटा है। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब इसके ऊपर जो हम मसाला डालते हैं है ना, जो हम ड्रेसिंग कहते हैं, ड्रेसिंग आप अलग से भी रेडी कर सकते हैं कि हम तेल में ही नमक, काली मिर्च का पाउडर, नींबू, विनेगर, ये सब हम तेल में ही पहले डाल दें, लहसुन भी उसी में डाल दें, और फिर उसे मिलाकर शेक करें, उसे हिलाएं, और हिलाकर उसे थोड़ी देर के लिए रख दें साइड पे। नहीं तो हम इसमें डायरेक्टली डाल सकते हैं जिस तरीके से मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैंने इसमें डाला है 1/3 कप ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। इसमें मैंने डाल दिया है कूटा हुआ लहसुन, ये 5 लहसुन है जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, अगर ब्लैक पेपर पाउडर नहीं है, वाइट पेपर पाउडर है तो वो भी चलेगा, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अगर आपके पास कोई भी बीन्स हो, जैसे कि चिक पीस है, लोबिया है, चने हैं, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मेरे पास थोड़ा सा उबला हुआ लोबिया है, इसे चवली भी बोलते हैं, तो मैं ये उबले हुए लोबिया इसमें डाल रही हूँ, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें चने, राजमा, उबले हुए ये लोबिया, ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे कि सारा जो मसाला है, इसकी जो ड्रेसिंग है, वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। दोस्तों ये जो सलाद है ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है, बहुत ही टेस्टी है। और किनोआ जो है, किनोआ में बहुत प्रोटीन होता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री। जो डायबिटीज़ जिनको होता है उनके लिए ये सलाद बहुत ही अच्छा है। इस सलाद में सारे एसेंशियल विटामिन्स हैं, इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, ई है, डी है, इसमें मैग्नीशियम है, ये हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन सैलड है। तो आप ये सलाद खाएंगे तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी, और जिनको, जैसे कि मैंने कहा है, डायबिटीज़ है, उनके लिए ये सलाद तो बहुत ही गुणकारी है। हमें दिन में एक बार तो सलाद खाना ही चाहिए हमारे डाइट में। तो चलिए हमारा सलाद तैयार है, अब हम इसे करते हैं सर्व। तो ये देखिए हमारा डिलीशियस, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस
मेडिटेरेनियन किनोआ सैलेड। ये सैलेड आप ही बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये कैसे लगा। ट्रस्ट में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो हमेशा बनाएंगे, ये गारंटी है। तो हम हर रोज आते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कल मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।